देखिए हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं आयुषी नंदन के घर। आयुषी नंदन इन दिनों बिहार में तहलका मचा दी है। तहलका मतलब ये हुआ कि इंटर का रिजल्ट जारी हुआ और उसमें साइंस में जो इन्होंने टॉप कर गई। आयुषी नंदन हमारे साथ है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। और कल से तो ऐसे ही आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। बहुत हैप्पी हैं। जब घर आए तो आप सो रही थी? जी जी, थक गए थे, सो रहे थे। नींद आई थी रात में? नींद तो नहीं आ रहा था, इतना ना खुशी था कि एक्साइटमेंट के मारे तो नींद ही नहीं आ रहा था। हाँ। था कि अब फिर अगले दिन किससे मिलेंगे, क्या होगा, ये सब था। तो रात में 2 बजे सोए। रिजल्ट जारी हुआ और आयुषी पूरे बिहार में छा गई। सोशल मीडिया पे तो जमकर फोटो वायरल हुआ। सोची थी कि इस तरीके से हम वायरल हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट इतना बेहतर होगा? इतनी बेहतरी की तो उम्मीद नहीं थी। ये था कि 1 से लेकर 10 तक कोई भी रैंक आ जाएगा, लेकिन जब ये पता चला कि फर्स्ट रैंक मेरा ही है, तब तो बहुत ही अच्छा लगा। और उम्मीद भी था, क्योंकि मेरा 10th में भी रैंक था ही, बिहार बोर्ड में 9th रैंक था उस बार। तो इस बार था कि 9th से बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, तो वो किया और वो सफल हो गया। और पूरा खुश हैं आप? जी जी बिल्कुल, लग भी रहा है खुशी से। आप इन मैट्रिक में भी आपने 9वां या 7वां रैंक लाई थी? जी, 9वां रैंक था। अच्छा, इस बार जो आप जो तैयारी की थी, किस तरीके से आपका तैयारी था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी सर, मिनिमम हम 8 घंटे पढ़ा करते थे, और वो मेरे मन पे डिपेंड था। अगर मेरा मन किया कि नहीं ज़्यादा पढ़ना है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो थोड़े थोड़े घंटे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, और जब बिल्कुल नहीं मन करता था कि ना पढ़ें तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। एकदम नहीं पढ़ना है? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बस पढ़ लेना है 2-4 घंटे, फिर इंटरटेनमेंट, क्योंकि एक माइंड होता है, माइंड को भी रिलैक्स होना चाहिए, उसको भी टाइम देना है। तो वो था कि माइंड को भी फ्रेश रखना है, खुद भी रिफ्रेश रहना है, टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना, वो सब भी करना पड़ता है अच्छे नंबर के। और आपने वो सब किया? जी सर बिल्कुल। अच्छा, जब रिजल्ट जारी हुआ तो पहले किसने बताया कि आप टॉप 10 में आ गई? मम्मी। मम्मी जी। अच्छा, तो फिर आपने ये जो खुशी जब आपको जानकारी मिली, तो मिठाई ने सबसे पहले आपको किसने खिलाया? मिठाई तो वो कोई न्यूज़ वाले थे, वो आए तो पहले तो हम तो खुशी के मारे उछल ही रहे थे कि फर्स्ट रैंक आ गया, ये वो। तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ, सर को कॉल किए बताए, तो वो भी एकदम हैप्पी थे। फिर कब लोग आए, आने जाने लगे, बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था। फिर DM सर से भी कल मिल के आए। जी, घर का क्या माहौल है? घर में तो सब खुश हैं, सब प्राउड मोमेंट है। जी, मम्मी पापा भाई लोग क्या कह रही हैं आप? उनको, उनका कहना है कि 10th और 12th तुम्हारा पहला सीढ़ी, और जो तुम पार कर ली, अब आगे जो एम है उसको पूरा करो। जिस वक्त आपका रिजल्ट देखा जा रहा था, उस वक्त बड़ा दिल धुक 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 कर रहा होगा, क्या होगा नहीं होगा, उस वक्त आयुषी क्या सोच रही थी? हम ये सोच रहे थे कि 1 से 10 तक तो आना ही रैंक, क्योंकि जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो ये था कि कोई रैंक आ जाएगा। उस टाइम ये डर था कि मेरा कौन सा रैंक आने वाला है, बस ये डर था। कल सुबह की शुरुआत आपने कैसे किया था, क्योंकि कल आपका रिजल्ट भी आने वाला था? जी सर बिल्कुल, कल मेरा KYP क्लास का फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे वहाँ पे गए, और वहाँ से जैसे ही आए तो पता चला कि रिजल्ट आने वाला है। तो उस टाइम से भूखे ही थे, खाना भी नहीं खाए थे, और अभी तक खाए नहीं है। कल से अभी तक नहीं खाए हैं? मिठाई ही चल रहा है, बस एक पराठा खाए बस। क्यों नहीं खाए हैं? खुशी के मारे नहीं खाए हैं, या बोलते बोलते, मतलब बोलते बोलते सर थक गया, आवाज देखते आवाज भी खराब हो गया, इतना बोलने का आदत था नहीं। और पहली बार इतना मीडिया को आप देख रही हैं, हैंडल कर रही हैं? नहीं, 10th में भी किए थे, लेकिन 10th में इतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम उतना अच्छा रैंक था नहीं, 9th रैंक था, इतना नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट रैंक आया तब तो। अच्छा, आगे क्या करने का सोच रही हैं, आगे क्या करना है? आगे सर, आगे UPSC करना है, लेकिन उससे पहले इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना। जी, UPSC में जाना है? तो क्या ये बचपन से शौक है, या रिजल्ट जारी होने के बाद आपने सोचा है? बचपन से, 7th क्लास में ही थे तो कहीं सुन लिए थे कि IAS भी कुछ होता, तब पता चला इसके बारे में और जाने, तब ये सपना बन गया, एम बन गया कि हमको भी करना है, इसमें जाना है। जो नए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आयुषी क्या कहेंगे?
उनसे ये कहेंगे कि आप 5-6 घंटे ही पढ़ो लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे हम कॉपी ऐसे खोल के बैठे लेकिन पढ़ नहीं रहे, उसका कोई फायदा है ही नहीं। और जब मन करे तभी पढ़ो, मन मार के कभी नहीं पढ़ना। मन मार के कभी नहीं पढ़ना है जी, बिल्कुल नहीं। हम भी ऐसा ही करते थे, मन नहीं करता था तो हम भी एंटरटेनमेंट फुल इंजॉय करते थे। इंजॉय में क्या करते थे? गाना सुनते थे, फिल्म देखते थे, क्या करते थे? सर एग्जाम के दिनों में भी हम गाना ही सुनते थे माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा इधर। वो तो डेली रूटीन में ही था कि गाना सुनना है, थोड़े स्पोर्ट्स, थोड़े आउटडोर गेम्स खेलने, इंडोर गेम्स तो वो थे मेरे अंदर। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी और भाई बहन, सबसे ज़्यादा प्यार अभी कौन कर रहा है और कौन सबसे ज़्यादा चिढ़ा रहा है? और आपने पहला मिठाई किसको खिलाया? जी सर, सभी का तो इतनी खुशी है, सबका अलग अलग खुशी है और उसको तो बयां नहीं किया जा सकता। और रही बात वो एक्साइटमेंट की, तो ये दोनों बहुत, मेरा भाई लोग बहुत खुश है। भाई की तरफ दिखा दीजिए, ये दोनों भाई, इस वक्त सुबह का वक्त है, दोनों भाई खड़ा है और बहन की बातों को गौर से सुन रहा है। आयुषी जी, अगर आप कह रही हैं कि हमको UPSC में जाना है, अगर आप अधिकारी बनती हैं तो किस तरीके से करेंगे और पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि सभी की बातों को सुना जाए, सभी की बातों पे ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी एक की बातों पे सुनना और उस पे ही अपना फैसला लेना, वो नहीं होना चाहिए। और थोड़े गांव मोहल्ला, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे रहे हैं, तो ऐसा है कि गांव के माहौल को सुधारना है, थोड़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लानी है, इसे बिल्कुल शहर की तरह, जैसे लोग शहर भागते हैं ना, वो सुविधा गांव में ही अगर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। कोई शहर नहीं जाएगा, पटना दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नहीं जा पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम भी नहीं गए थे। तो ये था कि गाँव से भी कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, ताकि लोगों को बिलीव आ जाए कि पटना दिल्ली जाना जरूरी नहीं है, घर पे भी रूरल एरिया में भी रह के कुछ किया जा सकता है, मतलब बेहतर कर सकते हैं हम। गाना सुनना पसंद करती हैं, खेल में किस खेल को पसंद करती हैं, क्या पसंद क्या है आपको? खेल में बैडमिंटन पसंद है। और गाने में? और गाना तो वैसे हिंदी सॉन्ग्स, अरिजीत सिंह का सॉन्ग्स, वो सब सुनना बहुत पसंद है, या फिर म्यूजिक, गिटार वगैरह प्ले करना, वो सब पसंद जी, बिल्कुल वो सब। अच्छा।